अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द थ्री चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ओपनएक्स यूजर के लिए। ओपनएक्स टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है एयरड्रॉप के बारे में, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, मैं आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ में आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने लॉन्ग टेस्टनेट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है एयरड्रॉप रिसीव करने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सबसे पहले मैं विजिट करूंगा ओपनएक्स टीम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे और आप दोस्तों को अनाउंसमेंट दिखाऊंगा। यहाँ मैं आया हूँ उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक क्विज के बारे में उन्होंने एक ट्वीट की है। बहुत से यूजर कंफ्यूज है कि क्विज कैसा होगा, मुश्किल होगा या आइस की तरह हमारे अकाउंट डिसेबल तो नहीं होगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपनएक्स टीम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आसान सा क्विज होगा, उसके आप 2-3 अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी आप दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर आपको देने होंगे जो कि बहुत आसान होंगे। फिर भी अगर आप वो गलत कर जाते हो तो आपका अकाउंट ना डिसेबल होगा, इसके अलावा फिर आपको फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो यूज़र क्विज फेल करेंगे तो उनको फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और क्विज आसान सा होगा, मैं आप दोस्तों के सामने अभी कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एयरड्रॉप के बारे में बताया है कि वो कौन से रिक्वायरमेंट है जो आपको करने पड़ेंगे एयरड्रॉप से पहले, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये ओपनएक्स टीम की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 18 मार्च से हम एड्रेसेस की अपडेटिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपका ईमेल, ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट एड्रेस के साथ बाइंड हो और आपने लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया हो क्विज के साथ। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा एक और ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपने करना क्या है, ओपनएक्स टीम की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना है और इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है एयरड्रॉप रिसीव करने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप दोस्तों ने अभी तक लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करें, क्विज सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करें ज़रूर। तो अब आपने लॉन्ग टेस्टनेट में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो प्रोसेस में आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सबसे पहला स्टेप ओपनएक्स लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्विज सॉल्व करना होगा। तो आप ये वाला लिंक यहाँ से कॉपी करोगे, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक मिल जाएंगे और अपना मेटामास्क ओपन करोगे। मेटामास्क ओपन करने के बाद आपने ब्राउजर पर क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में लिंक पेस्ट करना है और सर्च करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने लिंक पेस्ट किया और सर्च पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ सबसे पहले मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट पर क्लिक करके आपका पास नीचे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ भी आपने कनेक्ट पर क्लिक करके वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपने करना क्या है, स्टार्ट पर क्लिक करना है, साइन इन पर क्लिक करना है और आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्विज स्टार्ट हो गया। यहाँ आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपने उसके आंसर देने होंगे और सबमिट पर क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आपका अकाउंट ना बैन होगा और ना डिसेबल होगा, आप दोबारा भी दे सकते हो, आंसर चेंज भी कर सकते हो, तीसरी दफा भी दे सकते हो, जब तक आपका क्विज फास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे आंसर करूँगा फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो आप दोस्तों ने भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, सबमिट पर क्लिक करूँगा, साइन इन का ऑप्शन आ गया, साइन इन पर क्लिक करूँगा तो मेरा क्विज पास्ट हो गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब आपने करना क्या है, लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है तो एक्सप्लोरर का लिंक यहाँ से कॉपी करोगे, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और ब्राउजर में आना है मेटामास्क में और ऊपर सर्च बार में पेस्ट करना है और सर्च करना है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर पेस्ट किया और सर्च पर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये अब इसका लिंक ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला लिंक ओपन हो गया, एक्सप्लोरर का लिंक ओपन हो गया। यहाँ से मैं नेटवर्क ऐड करूँगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे और यहाँ पे ऐड नेटवर्क का ऑप्शन होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया एरर का ऑप्शन आ गया। तो अब आपने करना क्या है, पॉसिट का लिंक कॉपी करके इधर सर्च बार में पेस्ट करना है और यहाँ पर इसको ओपन करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो पॉसिट का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। और दोबारा मैं मेटामास्क में आया ब्राउजर में, न्यू टैब यहाँ से मैं ओपन करूँगा, आपने भी न्यू टैब ओपन करना है और ऊपर सर्च बार में इसको पेस्ट करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और फिर सर्च पर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा जब तक ये लोडिंग करे। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने कनेक्ट वेब 3 वॉलेट पर क्लिक करना है सब और नीचे आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले अब आपने करना क्या है,
क्लेम टेस्टनेट यूएसडीटी, इस पर क्लिक करना है। 10 यूएसडीटी आपको टेस्टनेट के लिए रिसीव हो जाएगी, तो आपने कंफर्म पर क्लिक करना है तो आपके पास 10 यूएसडीटी रिसीव हो जाएगी टेस्टनेट के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो क्लेम टेस्टनेट टोकन यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे रिसीव हो गया, ट्रांजेक्शन सबमिटेड। ठीक है, अब आपने करना क्या, इसको अब एड लॉन्ग टेस्टनेट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कंफर्म पर क्लिक करना है तो आपका लॉन्ग टेस्टनेट यहाँ पे एड हो जाएगा। स्विच नेटवर्क पर क्लिक करना है और गार्टेट पे यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका नेटवर्क यहाँ से एड हो जाएगा। अब लास्ट टिप आपने करना क्या है, इस 10 USDT को स्वैप करना है ओपनएक्स में। तो उसके लिए आपने करना क्या है, बैग जाना है और यहाँ से इस लिंक को, स्वैप वाले लिंक को कॉपी करना है और ब्राउजर में पेस्ट करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं दोबारा मीटा मास्क में आया और यहाँ ऊपर सर्च बार में इसको पेस्ट करूँगा। मैं न्यू टैब ओपन करूँगा और ऊपर सर्च बार में इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और लिंक पर क्लिक कर दिया सर्च पर, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये अब स्वैप का ऑप्शन आ गया। यहाँ ऊपर सबसे पहले आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, आपके पास ऑप्शन है कनेक्ट का, तो मीटा मास्क पर क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट का ऑप्शन आया यहाँ पे, यहाँ से आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया, अब आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम पर क्लिक करना है। ठीक है, 10 USDT हमें दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2.85 ओपनएक्स मिल जाएंगे, तो आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करके इसको स्वैप करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने टोकन यहाँ पे ऐड करना है, तो मेटामास्क का जो यहाँ पे लोगो इस पर क्लिक करना है और ऐड टोकन पर क्लिक करना है, तो आपके मेटामास्क में ये वाला टोकन ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोकन ऐड हो गया, अब मैंने स्वैप पर क्लिक करना है तो मेरा ये 10 USDT ओपनएक्स में स्वैप हो जाएंगे और आप लॉन्ग टेस्टनेट में पार्टिसिपेट कर सकोगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कंफर्म पे जैसे ही क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन आ गया। इसके बाद अब मैंने कंफर्म पे क्लिक करना है तो मेरे 10 USDT स्वैप हो जाएंगे ओपनएक्स क्वाइंस में, ओपनएक्स टोकन में। ठीक है, मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो डॉलर है वो मैंने स्वैप कर दिए OEX टोकन में, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश पर क्लिक करूंगा तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, OEX टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो लॉन्ग टेस्टनेट में आप इसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।